गार्डनिंग दिल से मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आया हूँ अपने गांव में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से 100 किलोमीटर आगे अमेठी ज़िला। उसके पास एक जगदीशपुर नाम करके एक गांव है, तो मैं वहां पर आया हूँ। और आज मैं अपने घर के पास में जो गुलाब की खेती होती है, मैं वो देखने आया हूँ और आप सबको भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पूरा सब गुलाब की खेती होती है यहाँ पर। अभी गुलाब की कटाई हो रही है। ये सब दूर दूर तक यहाँ पे सब रेड रोज लगे हैं। यहाँ के जो अभी किसान भाई हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने वीडियो पर आने से मना कर दिया है। वो काफ़ी शर्मा रहे हैं कि, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये किस हिसाब में बिकता है, मार्केट में कैसे पहुँचता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सीज़न सीज़न पर डिपेंड करता है। शादी के सीज़न में इनका रेट्स महंगा हो जाता है, मतलब कि यहाँ से जो गुलाब होता है उसका रेट जो है, मतलब 50 रुपए के 50 पीस यहाँ से जाते हैं। जो वेंडर्स होते हैं वो ख़रीद लेते हैं और फिर उसको मार्केट में ₹20 का पर पीस, ₹25, ₹50, जितने का भी वो वेंडर बेचना चाहे, वो दुकानदार बेचना चाहे, वो बेच सकता है। यहाँ पर इन लोगों को बहुत कम प्रॉफिट होता है। जैसे कि शादी के सीज़न में मैक्सिमम, ये मेरे को बता रहे थे कि इस बार ₹500 में 50 पीस गए हैं, बिके हैं इनके, जो वेंडर ने ख़रीदे हैं। बाकी इनके प्राइसेस यही होते हैं कि ₹50 के 50 पीस, ₹100 के 50 पीस, ₹150 के 50 पीस, या फिर ₹250 के। तो वही बता रहा था भाई अभी हमको कि जो मैक्सिमम प्राइस इनका गया है इस बार, जो किसानों को मिला है, वो ₹500 में 50 पीस गया हुआ है। यहाँ पे सारे जितने भी आप देख रहे हैं, ये रेड रोजेज ही ये लोग उगाते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है यहाँ पर, शादियों में या फिर पूजा पाठ वगैरह में ये लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं गांव में इस चीज़ की, आसपास में। और ये लोग यहाँ से दिल्ली, मुंबई या फिर किसी भी मेट्रो सिटीज़ में ये लोग डिलीवरी भी करते हैं। इनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह रहते हैं तो ये लोग डिलीवरी भी करते हैं। तो गुलाब के पेड़ देखने के बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ कैबेज, बंधा गोभी, बंधा ये सब। ये सब बंद गोभी लगा हुआ है यहाँ पर दूर दूर तक। और उसके आगे सब बैंगन लगे हुए हैं, ब्रिंजल, एग प्लांट जिसको बोलते हैं। इसमें अभी फूल आ रहे हैं लेकिन अभी फल नहीं आए हैं। अभी फूल फूल आए हैं इसमें, फल तो आपको मुश्किल ही दिखेगा इस टाइम। देखते हैं, कोशिश करते हैं एक आधा फल दिख जाए हमको। दिखा 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 मेरे को, दिखा। ये व्हाइट कलर के ब्रिंजल्स हैं, ये व्हाइट, जो व्हाइट कलर के ब्रिंजल्स होते हैं ये वो वाले ब्रिंजल्स हैं, पर्पल वाले नहीं है।
और ये देखो इसी के साथ में कैबेज लगी हुई है, ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के ब्रिंजल्स, बैंगन, एग प्लेंट, ये सब। तो अब हम आ गए हैं बंद गोभी के खेत में, कैबेज जिसको बोलते हैं, ये देखें। ये सब कैबेज लगी हुई है, और ये जो रेड रेड इसके सब साइड में आपको आउटलाइन दिख रही है, ये बीट रूट की है, चुकंदर जिसको बोलते हैं, और वो आगे सब धनिया लगी हुई है। ये सब बंद गोभी है, साइड में बीट रूट है, और ये बड़े बड़े आम के पेड़ आएंगे मई के एंड में, जिसमें आम आएंगे, और ये सब धनिया लगी हुई है, ये सब धनिया है, ये येलो फ्लावर्स वाली, इसको सोया बोलते हैं, ये धनिया के बीज आ गए हैं इसमें, वाइट फ्लावर्स में जो धनिया होती है, कोरिएंडर बोलते हैं जिसको। यही है खेतों की खूबसूरती, गांवों की खूबसूरती। और थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोग को दिखा मिर्ची का प्लांट, लाल वाली मिर्ची जो होती है, चिली, ये रही, ये सब मिर्ची के प्लांट है, सब मिर्ची लग रही है थोड़ी थोड़ी इसमें अभी तो, ये देखें, ये लाल मिर्ची, वो सामने धनिया, टमाटर, बीट रूट, अभी दिखाता हूँ मैं आपको।